ई कॉमर्स स्टोर में PDF हो या फिर नोट हो, उसको कैसे सेल किया जाता है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मेरा इंस्टा मोजू का एक स्टोर है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, मैं यहाँ पर पहले प्रोडक्ट को ऐड करूँगा। इसके लिए आपको पहले इंस्टा मोजू के डैशबोर्ड पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है ऐड प्रोडक्ट। उसके बाद सिलेक्ट करना है डिजिटल फाइल, जहाँ पर ई बुक्स, डिजिटल आर्ट, सॉफ्टवेयर ये सब रहेगा जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फाइल को एक सिलेक्ट करना है जो कि आपका मैक्सिमम 2 GB का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है, एक PDF को। ये देखिए अब डाउनलोड चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक पिक्चर लगाना है, आप जितने चाहे लगा सकते हो, 2-3 लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर उसको क्या करना है, एक टाइटल लिखना है। यहाँ पर बुक से रिलेटेड कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस डालना है, अगर आप चाहते हो पे व्हाट यू वांट या फिर फ्री, जो भी चाहें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस लिखना है, अगर आप डिस्काउंट देना चाहते हो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और डिस्काउंट देने के बाद आपको उसको कितना रुपये में सेल करना चाहते हो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप चाहते हो कोई उसको खरीदने के बाद उसको कितने बार डाउनलोड कर सकता है, यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर 2 ले देता हूँ। उसके बाद अगर वो 2 बार डाउनलोड करने के बाद वो ज़्यादा डाउनलोड नहीं कर पाएगा, उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, ये अनलिमिटेड कर देना है, और यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ई बुक, उसके बाद सेव, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कोई भी आपको आपका प्रोडक्ट को उसके स्टोर में लगा के उसको सेल कर सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर कोई उसको सेल करेगा उसको आप कितना परसेंट देना चाहते हो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8%। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कौन सा प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको टैग देना है, और यहाँ पर एक थैंक यू का मैसेज दे सकते हो। मैं यहाँ पर बस लिख देता हूँ थैंक्स, बाय करने के बाद ये आपको नज़र आएगा। ये अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। देखिए अब यह आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया है। मैं यहाँ पर और एक प्रोडक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है ऐड प्रोडक्ट, उसके बाद डिजिटल फाइल, और यहाँ पर अपलोड फाइल। यहाँ पर मिडनाइट चिल्ड्रन नाम का एक ई बुक है, PDF है, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर इमेज कवर पेज में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पर बुक का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, उसको लिखने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस को फिक्स करना है। मैं उसको फ्री में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ फ्री। उसके बाद आपको डाउनलोड पर बायर यहाँ पर आपको ऐड करना है, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद अनलिमिटेड आपका क्वांटिटी,
उसके बाद आपको कैटेगरी पर जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यह आपका फ्री है, इसके लिए यहाँ पर रीसेलिंग का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको एडवांस में आपको लिख देना है थैंक्स, ओके। यह वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर अब सेलेक्ट करना है सेव। देखिए यहाँ पर अब आपका दो प्रोडक्ट ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम स्टोर पर जाते हैं, यहाँ पर मैं उसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर दो प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई भी प्रोडक्ट में आप कूपन कोड या फिर कुछ डिस्काउंट देना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, आपको कूपन लिंक आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए इंस्टामुज के डैशबोर्ड पर जाना है। यहाँ पर नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखिए डिस्काउंट, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद डिस्काउंट लिंक्स, और यहाँ पर आपको लिंक जनरेट करना है। यहाँ पर आपको कूपन का कोड लिखना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना पैसा आप ऑफर देना चाहते हो यहाँ पर आपको ऐड करना है। यहाँ पर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी पर, एक क्वांटिटी पर मैं देना चाहता हूँ। उसके बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा ई बुक में आपको उसको देना चाहते हो डिस्काउंट, यहाँ पर द टाइम ट्रैवलर्स वाइब। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट लिंक, आपका लिंक जनरेट हो गया है। यहाँ पर देखिए ये लिंक आपका ऐड हो गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कोई और एक ई बुक का लिंक जनरेट करना चाहते हो, यहाँ पर वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल सी से उसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद अगर आप जिसको भी उस ये शेयर करोगे, अगर वो इस लिंक के ऊपर जाके उसको खरीदेगा, उसको 100 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। अब हम स्टोर पर जाते हैं, देखिए ये 300 रुपये का है, यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है कूपन कोड, ठीक है। अब हम जो लिंक मैंने कॉपी किया था, यहाँ पर देखिए 300 रुपीज़ है, ठीक है। मैं जो कॉपी किया था लिंक को, मैं यहाँ पर उसको ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू टैब में, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट लिंक के ऊपर जाने के बाद आपको 300 का बुक यहाँ पर 200 में मिल रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो, यहाँ पर उसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको बाय करना चाहते हो, यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद बाय नाउ, यहाँ पर आपको सारी डिटेल भर देने के बाद आपको यहाँ पर रिव्यू एंड पे पर क्लिक करना है, या आप उसको खरीद सकते हो, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टोर पर, मैं यहाँ पर जो फ्री है मैं उसको पहले खरीदना चाहता हूँ। उसके बाद थोड़ा कुछ सेटिंग है, मैं उसको भी बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर बाय नाउ, यहाँ पर आपको पहले सारी डिटेल भर देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है रिव्यू एंड पे, ये आपका टोटल फ्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट, अब आप उसको बाय कर चुके हो, ठीक है। और उसके बाद यह सारी डिटेल है यहाँ पर, अगर आप उसको देखना चाहते हो, यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सारी डिटेल है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हो वो पीडीएफ को, आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड। देखिए यह अब आपका डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब हम उसको ओपन करके देखते हैं, देखिए यह आपका पीडीएफ है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए मैंने एक बार डाउनलोड कर चुका हूँ, ठीक है, और बाकी है एक बार। मैं क्या करूँगा, मैं उसको मोबाइल में ओपन करके देखता हूँ वहाँ पर कैसे होता है। दो बार डाउनलोड करने के बाद क्या नज़र आता है, ठीक है। अपन मोबाइल पर जाता है और यहाँ पर ईमेल पर जाता है और यहाँ पर नो रिप्लाई, ये जो ऑर्डर है यहाँ पर आप क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सारे डिटेल मिल जाएगा। अब उसको डाउनलोड करना है, इसलिए यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप दूसरे बार उसको डाउनलोड करोगे उसके लिए आपको OTP भरना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नंबर दिया था उसके लिए आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है और यहाँ पर OTP को फिल कर देना है। उसके बाद अलाउ, अगर आपको मांगता है तो अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद डाउनलोड, अब आपका डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर हम उसको ओपन करके देखते हैं, ये देखिए आपका आ गया है, ठीक है। अब हम उसको कम्प्लीटली दो बार डाउनलोड कर चुके हैं। अगर मैं उसको और एक बार ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्या नज़र आता है। हम फिर से जाते हैं वो ईमेल पर, फिर से हम उसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ गया है, आप यहाँ पर डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर वो सेलर इस प्रोडक्ट को परमिशन दे दे कि दो बार या चार बार उसको डाउनलोड कर सकते हो, देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप आपके स्टोर में ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंस्टामिक्स के डैशबोर्ड पर जाना है और यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट, देन डिजिटल फाइल, देन वही उपाय से आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, ठीक है।